आज हमारे साथ में नंदन कुमार जी गिरिडीह झारखंड से। कान की तकलीफ, कान के बहने के चलते आप हमारे पास पहुंचे हैं और अब हम देखना चाहेंगे कि कान में क्या चल रहा है। इससे पहले हम नंदन जी से जानना चाहेंगे, नंदन जी कान में क्या तकलीफ रहती है आपको? कान में मतलब यही कि मतलब से ज़्यादा सर्दी तो गीला बन पड़ जाते हैं। अच्छा, ये लगभग कितने सालों से ऐसा हो रहा है? लगभग अढ़ाई तीन साल, तीन साल से। अब हम कान को देखना चाहेंगे, प्लीज शो द मॉनिटर। आप आ जाइए ऐसे दिख पाएंगे। सो राइट हियर नंदन कुमार जी, हियर वी गो, और देयर इज लार्ज टिम्पानिक परफोरेशन। कैनाल इज ऑब्लिक, सी डैडी जी, कैनाल इज ऑब्लिक। आप बेटे आप इधर देखिए, there is subdural perforation with pus in situ। ठीक है, कान के पर्दे में बड़ा छेद है और मध्य कर्ण में गलन है, अस्थि में भी गलन लग रही है। ठीक है, ओके। और कैनाल का रास्ता टेढ़ा है। दूसरा कान भी दिखाइए बच्चे, इस तरफ घूम जाइए, बहुत अच्छे। यहाँ भी हमें पर्दे में छेद दिखाई दे रहा है। ठीक है, दोनों कानों में छेद है। ठीक है, देख रहे हैं, और पास चमक रहा है। ये बीला जो है पास है, ये इस तरह होना चाहिए ना। हाँ, छेद है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन है विद पस इन सीटू। आपका नंदन जी नाक बंद तो नहीं रहता है? नाक बंद नहीं रहता, मतलब सर्दी से हमें लगता है कि एकदम। बार बार जुकाम तो नहीं होता है? बार बार नहीं होता। ठीक है, एक बार हम नाक की जाँच करें। डरना नहीं है, मुँह खोलिए, मुँह खोल के सांस लीजिए। बहुत बढ़िया मॉनिटर। इधर देखिए, मुंह खोल के सांस लीजिए। माइल्ड लेफ्ट साइड, मुंह खोल के सांस लीजिए। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। मुँह खोल के सांस लीजिए, डरी नहीं। शाबाश, ओके, इट इज डन, दैट डन, ऑलमोस्ट डन। पानी पी लीजिए, तू गटक लीजिए। ठीक 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 डन। ठीक है, अब टीम द्वारा आपकी विभिन्न जांचें करके आपकी तकलीफ का पूर्ण अध्ययन किया जाएगा और उसके अनुरूप उपचार किया जाएगा। थैंक्स फॉर कीपिंग ट्रस्ट इन अशोक बेस्ट। जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है गिरिडीह झारखंड से नंदन कुमार जी। नंदन कुमार जी, अपने बारे में संक्षिप्त परिचय दीजिए। मेरा नाम नंदन कुमार है, मैं गिरिडीह जिले का झारखंड से हूँ जी। मैं अपनी 12th क्लास प्लस टू मॉडल स्कूल देवरी, जो हमारे गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता है, उससे अपर 12th पास आउट हूँ। मेरा सितम्बर में एयरफोर्स एग्ज़ाम में फर्स्ट ऑब्जेक्ट 2024 का, और मुझे परेशानी लगभग दो अढ़ाई सालों से कान में खुजलाहटपन होती थी, जिसे तो अपने आसपास नज़दीकी के पास दिखवाए तो बताया गया था ये ड्रग में होल, जिसके कारण मैं यहाँ पहुँचा। जी जी, दोनों कानों के पर्दों में होल या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन आपके जांचों में पाया गया है। हाँ। और साथ में कान का रास्ता वो भी विकट रूप से टेढ़ा है। तो सबसे पहले कैनलोप्लास्टी यानी कि कान के रास्ते को सीधा किया जाएगा और फिर पर्दे का निर्माण टिम्पेनोप्लास्टी किया जाएगा और आपके इन समस्त बिंदुओं का निवारण किया जाएगा। ठीक है, ये समस्त प्रक्रिया सुन्न या निश्चेतन की इस अवस्था में होगी ताकि आपको कोई दर्द तकलीफ ना हो। ओके जी सर, ऑल द बेस्ट। नंदन जी, आपके सीधे कान का ऑपरेशन संपन्न हो गया है और हम कान के आंतरिक हिस्से को देख रहे हैं। यहाँ पर ऑइंटमेंट बीटाडीन युक्त ड्रेसिंग रखी गई है और ये कान के पिछले हिस्से को हम देखना चाहते हैं। हम कान के पिछले हिस्से को देख रहे हैं। हाँ, ड्रेपिंग हटाइए। यस, यहाँ किसी प्रकार का चीरा का टांका निशान इत्यादि नहीं है क्योंकि ये पूर्ण आंतरिक विधि द्वारा हुआ है। छोड़ दीजिए। ठीक है, नंदन कुमार जी जी कैसे हैं? ठीक है जी, आँखें खोल लीजिए, आँखें खोल लीजिए, आधा काम हो गया है। आँखें खोल लीजिए, ओपन योर आइज। ठीक है जी, आँखें खोल लीजिए। हाँ,
इस कान का ऑपरेशन हो गया है, पट्टी करेंगे ठीक है जी सर। और दूसरे कान के ऑपरेशन के लिए अब हम आगे बढ़ेंगे। ओके ओके ऑल द बेस्ट। नंदन जी, दूरबीन द्वारा आपके दूसरे कान की पर्दे की सर्जरी हो गई है और अब हम देखना चाहेंगे सबसे पहले कान के आंतरिक हिस्से को। यहाँ बीटाडीन युक्त ड्रेसिंग रखी गई है और अब हम कान के पिछले हिस्से को देखना चाहेंगे। यह नीट एंड क्लीन है, यहाँ किसी प्रकार का चीरा का टाँका निशान नहीं है। ओके वंडरफुल। एक बार नंदन कुमार जी से मिलवा दीजिए। आँखें खोल लीजिए नंदन जी, आँखें खोल लीजिए। आपका ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके सर। ठीक है, कोई दर्द तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं। आँखें खोल लीजिए। हाँ, जीभ दिखाइए। ठीक है, दांत दिखाइए। ठीक है, आँखें दोनों खोल लीजिए। फैंटास्टिक स्माइल। ठीक है, देश के युवाओं को, बच्चों को कोई संदेश देना चाहेंगे? जिसको भी ये प्रॉब्लम है जी डिफेंसर्स, जोर से बोलेंगे तो हम सुन पाएंगे। हाँ, जिस डिफेंसर्स पेरेंट को ये सब प्रॉब्लम है वो आके यहाँ करें जी, बेस्ट है पूरे इंडिया में जी। जी ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर कीपिंग ट्रस्ट इन अशोक बेस्ट। जय हिंद।